सदी के मध्य माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगी उपाध्याय उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय जी से अनुरोध करूंगा और मुख्य कार्यकारी महोदय से कि माननीय मंत्री जी और एक बार सभी लोग एक बार तालियों में सभी Yeah.
माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हो रहा था, इसीलिए हमारे नगर की महापौर श्रीमती कामिनी राठौर जी कार्यक्रम में पधारी। मैं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीर जवानों की, वीर जवानों की, भारत माता की। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ को मना रहा है और ये अमृत काल की घोषणा की है माननीय मोदी जी ने, क्योंकि 2027 तक ये संकल्प लिया जा रहा है इस दिवस पर कि हम पूरे देश को विकसित भारत बना के देंगे, क्योंकि अभी तक विकासशील देशों की श्रेणी में आता है भारत, अब विकसित देशों की श्रेणी में आए, ये एक संकल्प लिया है और हमारे किस संकल्प के विकल्प नहीं होते, इसलिए पूर्ण करने के लिए माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने स्वयं तो संकल्प लिया है, जनता को आह्वान किया है जिससे कि हम उस रास्ते पर बढ़ चलें। और ये बात सही है कि पिछले दिनों जो राजनीतिक प्रवेश हुआ और एक छवि अलग रूप से उभरी थी, उस सब को धुबिल कर उसको ध्वस्त करते हुए नई राजनीति का जन्म हुआ है जिसने देश और प्रदेश के परवेश को बदला है। खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये दिन हमको ऐसे ही नहीं मिला मित्रों, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए, अपने संघर्ष किया, इसलिए ये दिवस उन संघर्ष कर बलिदान करने वालों के लिए वंदन का दिवस है। यह दिवस उन शहीदों के नमन का दिवस है जिन्होंने हमारे आज को आजाद बनाने के लिए अपना बलिदान दिया और गुमनाम के इतिहास में खो गए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया इस आजादी के लिए। आज का दिवस उन लोगों के अभिनंदन का दिवस है जो मोर्चे पर भी आज हमारी आजादी के लिए संघर्षरत है। मित्रों, आज का दिवस हमारी अस्मिता की अनुभूति का वो दिवस है जो हमें एहसास कराता है कि अंग्रेजों की कॉलोनी की गुलामी से हम निकलकर आज के दिन आजाद हुए थे। भाषाई उस दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन ने भारत को एकता दी, उसे एक राष्ट्र बनाया, स्वतंत्रता की बलवेदी पर मरने वाले बलिदानी दिए, विश्व विख्यात क्रांतिकारी दिए और हम सबको कहने का एक मौका दिया कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। जैसा आशीषा जी बता रहे थे, आज के इस पर्व पर मैं आप सबको बधाई देता हुआ इस बात को आह्वान करना चाहता हूं कि अब देश के लिए मरने का वक्त खत्म हो चुका है, अब देश के लिए जिंदा रहने का वक्त है। राजनीति का एक दौर जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद वह भी आया जब राजनीति के शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था
और राजनीति करने वालों को थोड़ा उपेक्षित होकर देखा जाता था। लेकिन अब राजनीति का कलेवर बदल गया। क्यों? क्योंकि तो मेरा इस संस्थान के मुखिया होने के नाते लायक भी है और कर्तव्य भी है आपसे मैं समय समय पर आपको बुलाता रहा हूँ और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। शब्द श्रृंखला मिलती है, जीवन प्रमाण पत्र। धन्यवाद सर, हम सब आपके शब्दों की आभारी। आओ सलामी दे उन्हें जो इसकी असली हकदार है, मिट्टी की हर एक पर उनकी कर्जदार है। With this encouraging line, I would like to call Shruti and Tikbal, a student of BMS First Rock, to felicitate the guests of this evening. सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। Sharma.
प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश पाटिल जी, डायरेक्टर डॉक्टर भूपेश गुप्ता जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर सामाजिक जीवन में एक स्थान प्राप्त किया ऐसे आलोक जी, इस संस्थान के शिक्षक और शिक्षिकाएंगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छात्र है इसलिए बात दूसरे ढंग से रखूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, यद्यपि स्वामी विवेकानंद जी जब लिखा था तब आने वाले 50 वर्षों के लिए लिखा था, लेकिन स्वामी जी के विचार चिर यौवन है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विचार भी काल बाहर काल त्याग हो जाते हैं, देश काल वातावरण के हिसाब से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, लेकिन समय अतीत होने पर उनका अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन स्वामी जी के विचारों को मैं चिर यौवन विचार कहता हूं, क्योंकि उन्होंने जब लिखा था आने वाले 50 सालों में, लेकिन आज भी वो प्रेरणा देते हैं युवाओं को। उन्होंने लिखा था कि आने वाले युवाओं को 50 वर्षों तक भूल जाना होगा कि उनका कोई देवी देवता है, उनको ये याद रखना होगा कि अगर कोई उनकी इष्ट देवी है तो भारत माँ, और इष्ट देव है तो भारत का राष्ट्र। जब उन्होंने विचार दिए तो आज भी हम उतनी स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उतनी चेतना और ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे उस समय उन्होंने बोली होगी तब कहा होगा। मित्रों, हिंदुस्तान का ये आजादी का दिवस, उन शहीदों के वंदन का दिवस है जिन्होंने हमको ये आजादी दिलाई और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। आज के दिवस को हम याद करते हैं क्योंकि इस दिवस ने बटे हुए भारत को एक कर उसे एक राष्ट्र बनाया,